नमस्कार, मैं सविता। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम गाजर की खीर बनाएंगे। ये खीर खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन ये हेल्दी भी बहुत होती है। सर्दियों के मौसम में आप इसको बनाकर जरूर खाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जान लेते हैं इसको कैसे बनाएं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बनाने की सामग्री में हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, 250 ग्राम हमने गाजर ली, इनको ग्रेट कर लिया है, 100 ग्राम हमने शक्कर ली है। आप मीठा अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में पिस्ता, बादाम, किशमिश, चिरौंजी दाना और ये थोड़ी सी हमने केसर ली है। इसमें से हम 10-15 धागे यूज करेंगे। तो दूध को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। अब दूध को हम गर्म कर लेंगे। इसमें उबाल आने लगा है तो इसके अंदर हम गाजर डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके रखी हुई है, और पूरी गाजर हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसको एक चम्मच से अच्छे से चला लेंगे। गाजर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम ऐसे ही चलाते हुए मीडियम फुल फ्लेम करते हुए गैस का इसको हम लगभग 10 मिनट तक पका लेंगे। गाजर को हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे इनकी हम कतरन बनाकर तैयार कर लेंगे। बीच बीच में हम खीर को भी चलाते रहेंगे। खीर थोड़ी गाढ़ी होने लगी है तो इसको हम अभी थोड़ा सा और पकाएंगे। गाजर की खीर बनाकर आप जरूर देखिए, हलवे की अपेक्षा ये जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में तो ये बहुत टेस्टी होती है। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। खीर गाढ़ी हो गई है और गाजर भी इसकी अच्छे से पक गई है तो इसके अंदर शक्कर डाल देते हैं। शक्कर के साथ में ही ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। गाजर पकी है या नहीं इसके लिए आप थोड़ी सी गाजर निकालकर उसे हाथ से मसल कर देखें तो आपको पता लग जाएगा। अगर गाजर अच्छे से मसली जाए तो वो पक चुकी है। अगर आपको लगे ये थोड़ी सी कच्ची है तो आप उसको 1-2 मिनट और पका ले, वो आसानी से पक जाती है। ये हमने इसके अंदर केसर भी डाल दी है, इसको हमने दूध में भिगोकर थोड़ी देर पहले रख दिया था। ये इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालनी है तो ये बिना केसर के भी बहुत ही टेस्टी बनती है। ड्राई फ्रूट और शक्कर डालने के बाद इसको हम धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट तक पका लेंगे। शक्कर डालने के बाद ये थोड़ी पतली हो जाती है तो इसको हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इस खीर को बनाने में लगभग 15 मिनट का टाइम लगा है। ये लीजिए, हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनी है, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाजर की खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।